हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज आने वाले थे भैया लोग, मतलब आए हैं वो सुबह आ गए थे, तब तक हम सोए थे इसलिए मैं आपको उस टाइम दिखा नहीं पाई। तो आज आए हैं भैया और मेरे हस्बैंड, मैं आपको उनसे भी मिलाऊँगी। और आज हम एक जगह जाने वाले हैं, मंदिर ही जा रहे हैं मतलब, तो कहाँ जाएंगे वो आपको भी दिखाएंगे। तो अभी अपना काम कर लेते हैं। तो दोस्तों हो गई हूँ मैं रेडी, ये मेरा आज का लुक। ये है हमारे भैया और ये है मिस्टर हरदन सिंह। हेलो बोलो। हेलो हेलो। तो अभी हम तैयार हो गए हैं, आज हम जा रहे हैं सूर्य मंदिर कटारमल। तो चलते हैं, हम चार लोग जा रहे हैं। पलक अभी हम चलते हैं मंदिर। आइए तो दोस्तों, मंदिर जाने से पहले हम जाएंगे अपने गोलू देवता के मंदिर। चलो तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं रोड पे। अभी करेंगे हम गाड़ी का वेट, गाड़ी मिलना मुश्किल है अभी क्योंकि हम इतना लेट आ रहे हैं। फाइनली गाड़ी आ गई, उछी पीछे हमको लास्ट में यही सीट मिलती है, यहाँ से भैया अभी बैठे हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं कोसी, अभी यहाँ से हम ऊपर को जाएंगे पैदल। अभी भैया गए हैं दुकान में सामान लेने के लिए मंदिर के लिए, तो अभी उनका वेट करते हैं, धूप भी सेक लेते हैं थोड़ा। तो भैया भी आ गए हैं, अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर। तो हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि गाड़ी से 5 किलोमीटर होगा और पैदल जाने में शॉर्ट होगा 2 किलोमीटर। तो अभी हम आ रहे हैं पैदल, सामने है हवलबाग, ये रही कोसी नदी और ये है कोसी मार्केट। और हम चलते हैं अपने सफ़र की ओर पैदल। भैया लोग सुबह एक सफ़र करके आए हैं काफ़ी लंबा, अभी इनको हम दूसरे सफ़र की ओर लेके जा रहे हैं। जंगल के रास्ते। तो दोस्तों यहाँ से हमारा घर भी दिखता है, मतलब हमारा गांव साफ नहीं दिख रहा, काफ़ी दूर है, नहीं देखने से काफ़ी थक गए हैं, देखो कितने दूर है हमसे, हम चल गए आगे। तो दोस्तों काफ़ी आफत निकल गई है सफ़र में क्योंकि पैदल काफ़ी है, यहाँ से थक गए हैं भैया तो हमारे कुछ ज़्यादा ही थक गए हो, लास्ट में आ रहे सबसे आगे हैं अंजू, ये मेरे पीछे। अभी 10-15 मिनट का रास्ता और है फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर। अब स्टार्ट हो गया वहाँ से टाइम। आइए आइए, थक गए? बहुत ही ज़्यादा, हमको तो आदत है फिर तुमसे ज़्यादा भैया। ओहो पहुंच गए हैं रोड में, फिर यहाँ से भी मंदिर अभी काफ़ी दूर है। यहाँ का काम कितना अच्छा, देखो सारा पत्थरों से। तो यहाँ से होगा हमारा सफ़र शुरू, यहाँ से ऊपर को जाएंगे हम सन टेम्पल। लाइट है तेल वाला 101 का, बिना तेल वाले क्या होता है? तो इन्हें हम लेके ये ले सकते हैं, ये दो। हाँ दो, कितने का? 20 इसमें रखते हैं। माता मंदिर भी है,
अभी हमको उतने ऊपर जाना है, मंदिर ऊपर टॉप में है और ये रास्ता रहा, अभी चलते हैं। भैया थक गए? तो दोस्तों यहाँ सारे पत्थरों से काम के है, देखो पूरा रास्ता पत्थरों से, दीवार और एक ग्रिल। इधर को काफ़ी अच्छा लग रहा और सफाई भी दिख रही है। श्रद्धालु मंदिर से आ रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं, अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं मंदिर से और हम लगे हैं अपने सफ़र की ओर। भैया हमारे पीछे, थोड़ी दूरी पे है हमारी मंजिल, चलते हैं। तो यहाँ जगह जगह पे विश्राम गृह बने हैं जो थक जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि काफ़ी पैदल का रास्ता है ना। भैया बैठिए, भैया तो काफ़ी थक गए हैं लेकिन फिर भी नहीं बैठेंगे। पपीता कितने हो रखे हैं देखो, अभी चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर, ये रहा सूर्य मंदिर। अभी हम यहाँ से जाएंगे, अभी हम यहाँ पे अपने चप्पल खोल लेते हैं, यहाँ से करेंगे एंटर मंदिर में। ये रहा सूर्य मंदिर, यहाँ से यहाँ मंदिर के बारे में लिखा है और शायद ये नक्शा होगा यहाँ का। तो ये रहा हमारा सूर्य मंदिर, काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हैं आज, क्योंकि आज संडे के दिन, यहाँ अक्सर संडे के दिन ही आते हैं ना। अभी भैया लोग वहाँ चले गए, मैं पीछे ही रह गई। ये पेड़ के नीचे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा, पानी भर रहे। तो चलते हैं, अभी हमने पानी भर लिया है। हम सारी लड़कियां आ जाती हैं अभी, फिर परिवार में तो अभी भैया लोग भी टीका लगा रहे हैं। अभी हम चलते हैं मंदिर अंदर है। तो हमने मंदिर में पूजा कर ली है और अभी हम बाहर आ गए, वहाँ शूट करना अलाउ नहीं था इसलिए हमने नहीं करा। तो अभी उन्होंने टीका भी लगाया है, काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी थोड़ा हम मंदिर में घूमते हैं, आपको भी दिखाते हैं यहाँ का मंदिर कैसा है। तो दोस्तों यहाँ का मंदिर सारा पत्थरों से ही बना है, देखो ये है ऊपर मेन मंदिर। काफ़ी बड़ा है मंदिर, नहीं कुछ है ही नहीं इधर। तो दोस्तों ये मंदिर पूरे पत्थरों से बना है और काफ़ी अच्छी खूबसूरती है इस मंदिर की। तो ऐसा माना जाता है ये मंदिर रातों रात बनाया गया है, सुबह होने तक इतना ही मंदिर बना था, ऊपर टॉप में रह गया था। तो इसको बनाते बनाते सुबह हो गई थी इसलिए इसको ऐसे खुला छोड़ दिया, जितने अंधेरे तक जितना काम हुआ उतना ही किया, सुबह होते ही ये काम छोड़ दिया। तो फिर भी मंदिर काफ़ी खूबसूरत है। तो
तो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ऊपर टॉप में है कछार देवी और नीचे को हवाल बाग। तो अंजू लोग यहाँ है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो ये छेद है मतलब होल, तो यहीं से सूरज की पहली किरण जाती है मंदिर में। हाँ यहाँ से दिख रहा है वहाँ सामने, तो पहली किरण सूरज की यहीं से सीधे मंदिर में जाती है ऐसा माना जाता है। वो निकाल दिया वो अंजू को काट दिया मधुमक्खी ने। तो अभी हम घूमते हैं मंदिर। अभी यहाँ चल रहा है फोटो शूट कैमरामैन। तो दोस्तों यहाँ से कोसी डैम भी दिख रहा है, देखो नीचे है और सामने है अल्मोड़ा, जो भी साफ नहीं दिख रहा, धुंध हो रही आज। और ये रहा मंदिर। तो आज काफी श्रद्धालु आए हैं यहाँ और अभी हम भी चलते हैं घर को। धूप सेकने के लिए लोग यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ पे काफी अच्छी धूप आ रही। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं घर की ओर, हमने पूजा कर ली है, दर्शन भी हो गए यहाँ आके, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ और हमको भी बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा तुम्हें यहाँ आके? बहुत अच्छा, लेकिन इनकी पैदल आफत निकल गई भैया की, तो स्पेशली अभी हम खा रहे हैं प्रसाद। अभी सूर्य मंदिर से चलते हैं घर को, यहाँ पे होम स्टे हो गए। ये गाना कौन सा? वो अरे अच्छा वो बॉबी देओल एनिमल पूबी। तो दोस्तों सामने है हवाल बाग, वहाँ फार्म देखो, वहाँ गेहूँ बोए हैं, काफी गेहूँ बो रखे। तो ये है कटारमल गांव, नीचे को जाने तक तो रास्ता थोड़ा छोटा लग रहा, ऊपर आने तक काफी आफत निकल गई थी। एकदम खड़ी चढ़ाई थी ना, अभी नीचे को सीधे डाउन है तो जल्दी बटे। और ये देखो नींबू, ये वो है शायद कनफाव, इसको बोलते हैं कनफाव। ये नींबू की ऊपर जाती है। हाँ मतलब दूसरे टाइप का नींबू हुआ, तो अभी नींबू भी दिखेगा आपको, यहाँ काफी नींबू होते हैं शायद। नींबू का पेड़ ये है, इसमें नींबू हो रखे है। अभी चलते हैं, हैं? बनाएंगे। अंजू और इन्होंने दौड़ लगा रखी है क्योंकि इनको लगी है काफ़ी भूख, क्योंकि इन्होंने कल से कुछ नहीं खाया, अभी कल सफ़र में इन्होंने कुछ नहीं खाया और सुबह हम सीधे मंदिर को आगे, इसलिए खा के नहीं आए हैं। मेरा तो फास्ट है ही, इनका भी इनका तो फास्ट कल से चल रहा है। तो दोस्तों ये रहा लास्ट विश्राम गृह, अभी हम पहुंच गए हैं, कुछ बोल दियो क्या चलो दे। फाइनली पहुंच गए हम। नीचे को आते टाइम अच्छा लगा शॉट, ऊपर को जाते टाइम वो देखो तो आफत आ गई थी, लेकिन अभी मंदिर के दर्शन हो गए ना, सब थकाई दूर हो गई। अभी हम पहुंचने वाले हैं रोड में, गाड़ी का वेट करेंगे क्योंकि कोसी से घर जाने तक। अभी मेडिकल स्टोर से थोड़ा दवाई ले रहे हैं जुखाम की, क्योंकि इनको जुखाम लगा है, फिर इनको जुखाम लगता है तो तगड़ा ही लगता है, इसलिए थोड़ा दवाई ले रहे हैं अपने लिए। अभी हम लेंगे थोड़ा सब्जियाँ।
तो अभी ले रहे हम सब्जी, अंजू प्याज और भैया हमारे टमाटर, ले रहे हैं मटर, कोशिश से सब्जी भी लेके जाएंगे हम। सफर करके एक नुकसान हो गया है, तो अभी भैया लोग खा रहे हैं रायता पकौड़ी, उनको भूख लगी होगी। फेमस रायता पकौड़ी कोशी की, अभी ये करते हुए भोजन, मेरा तो फर्स्ट है। काफी भीड़ है इधर, हमको गाड़ी मिल गई, हमको मिल गई है गाड़ी, अब ये खाली हम चार ही रुपए ले ले को। वो देखो क्या दोस्तों, अभी चलते हैं हम घर को, हम पहुँचने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए घर फाइनली, हाँ मम्मी का यहाँ काम चल रहा है पहला। अरे मम्मी खाना बनाने की तैयारी, मूली काटी है सलाद के लिए, खाना बन गो। डर डर वो मत बोलो, भूख लग गई और ही बाद में लो। अभी चाची लगा रहे हमारे मंदिर का टीका और अभी हम बांटेंगे प्रसाद। मगर हिंदू पे मैं प्रसाद में रहूँगा, इसकी बाकी वाले को देंगे हम प्रसाद। ही देखो चार ही लोग हैं पराली बाकी में। तो दोस्तों अभी मैं बांट के आती हूँ प्रसादी मंदिर का, बीच वाली बाखरी में अपने हमारी मिलती, चलते हैं। रूही मैंने कल मंदिर आने के लिए बोला था, क्यों नहीं आए? टाइम नहीं हुआ, छुट्टी ठहरी, टाइम नहीं हुआ ना। कल न्यू ईयर है भी, कहाँ कहीं जा रहे हैं न्यू ईयर पे? अच्छा स्कूल की छुट्टी हो गई, ठीक। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।